क्योंकि यहाँ पर एक एक तरफ वो पेरेंट्स हैं जो कि सोल डिसीज़न मेकर्स होते हैं अपने बच्चों के लिए उनका ये ख्याल होता है कि वो बेहतर तौर पर समझते हैं कि उनके बच्चों को क्या बड़े होकर बनना है या उनके बच्चों के जो तरबियतीमल हैं वो किस राह पर चलने हैं हम जब यहाँ डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं दैट पेरेंट्स नीड टू मेक इंफॉर्म डिसीजनस बेस्ड ऑन the नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टूडेंट देयर चिल्ड्रन और वहाँ पर स्कूल की मदद दरकार होती है क्योंकि स्कूल पेरेंट्स को ये बता रहा होता है कि उनका बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स पर किस तरह काम किया जा सकता है और वीकनेसेस को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है तो हम जब डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो हम एक इंतहाई मीनिंगफुल फ्रेमवर्क में रहकर डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम उस डिसीजन मेकिंग की बात नहीं कर रहे कि अगर बच्चे का आर्टिस्ट बनने में इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बनेगा तो वहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग जो है वो उसका एक मनफी असर स्टूडेंट के ऊपर पड़ सकता है जब हम फैमिली इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ये कह रहे हैं द पेरेंट्स नीड टू स्टे कनेक्टेड विद द लाइफ्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम दे नीड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स बोथ फ्रॉम इन द एकेडमिक वर्ल्ड and also in the behavioral world. so their decisions help the children in staying connected with their education processes. or yahapar teachers or parents key collaboration, be because what is important here is to keep and to make all the stakeholders sit on one platform and discuss the progress of students. students, they develop differently.

This basically means that we encourage parents to come at one platform and also assist the schools in proper decision making for their children. हमारे यहाँ पेरेंट ऑर्गेनाइजेश को इतना इनकरेज नहीं किया जाता और इसको बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है सो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली प्ले अ बिगर रोल इन नॉट ओनली एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम दे कैन हेल्प द स्कूल्स इन द डे टू डे डेवेलपमेंट्स नॉट ओनली ऑफ दियर चिल्ड्रेन बट ऑल्सो ऑफ़ दी डिफरेंट स्कूल प्लान्स तो वहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पेरेंट ऑर्गनाइजेशन इनक्रेज करें ताकि पेरेंट ऑर्गनाइजेशन हेल्प कर सकें स्कूल्स के जो मुख्तलिफ़ प्लान हैं उनकी इस्टेबलिशमेंट में और उनकी प्रोग्रेस में इसके साथ साथ जो वो फैमिलीज़ हैं जो लो सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड से तल्लु है उनको एलियनेट नहीं करना चाहिए उनको भी साथ रखना चाहिए ताकि उनके बच्चे भी एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस के ऊपर आ जाए आमतौर पर देखा यह जाता है कि खास कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स है हु स्टे वेरी एक्टिव इन स्कूल्स हाउ एवर देर इज स्टिल अनदर कैटेगरी विच इज नॉट एक्टिव एंड विच इज़ नेवर कंसल्टेड इन द डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ स्कूल तो तमाम पेरेंट्स को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है तमाम पेरेंट्स की राय लेनी बहुत जरूरी है और पेरेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की नशो में सही तरीके से शामिल हो सकें और ख़ास तौर पर जहाँ तदरीसी अमल की बात है जहाँ पर बेहोरियल डेवलपमेंट की बात है वहाँ पर भी वो एक मुसबत रोल अदा कर सकें ये इसलिए ज़रूरी है कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होकर माशरे का में एक मुसबत रोल अदा कर सके और जितने मनफी रवैये हैं उनको वो जल्द से जल्द उनको ओवरकम कर ले इसलिए तो तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट बेहद जरूरी है खास तौर पर वाले की और वालदान का और स्कूल का और टीचर्स का इनका आपस में मुस्तकिल रहा रहना बेहद जरूरी है।